हेलो एंड वेलकम टू हेल्थ मैटर्स ऑन ओनली माय हेल्थ यूट्यूब चैनल। मैं हूं वाणी मलिक, जागरण न्यू मीडिया की लीड एडिटर हेल्थ की। आज के सेशन में हम बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डेंगू फीवर इज वन ऑफ द टॉप 10 ग्लोबल हेल्थ थ्रेट्स। इट इज ऑल्सो द मोस्ट रैपिडली स्प्रेडिंग। Over the past 45 to 50 years, there has been a 30-fold increase in the incidences globally. Joining us today is Dr. Sushila Kataria. She's Director, Internal Medicine from Medanta Hospital. Thank you so much, Dr. Kataria, for joining us today. Thank you so much, Vani, for having me and giving me the opportunity to talk about something which is so close to my heart. I am so passionate about dengue prevention and treatment. लवली। तो डॉक्टर, हमारे पास आज ऐसे बहुत सवाल है डेंगू ट्रीटमेंट को लेके, डेंगू प्रिवेंशन को लेके, क्या होता है एक पेशेंट को डेंगू के टाइम पे। तो हम सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं, डेंगू फीवर होता क्या है एग्जैक्टली? तो ये एक तरह का वायरस से होने वाला बुखार है। जैसे आजकल काफी वायरल इलनेसेस हमको परेशान कर रही है, कोविड उनमें से एक है। डेंगू भी इसी तरह एक वायरस का इंफेक्शन है, पर इसका स्प्रेड बिल्कुल डिफरेंट है। ये मस्कीटो की बाइट से स्प्रेड करता है, जैसे मलेरिया मस्कीटो बाइट से होता है। ये भी एक मस्कीटो बाइट वाली डिजीज है। ये जैसे एडीज इजिप्टियाई नामक जो मच्छर होता है, जिसको टाइगर मस्कीटो भी बोलते हैं, उसके काटने से होता है। जब आपको मच्छर काटता है तो वो अपना सलाइवा में वायरस होते हैं, वो चले जाते हैं खून में, और उसके बाद सारा का सारा सिम्टम शुरू होता है कि बुखार, शरीर में दर्द होना, आंखों में दर्द हो रहा है, तो सारे सिम्टम्स फिर आने शुरू होते हैं। जी, तो डॉक्टर, अगर हम डेंगू की बात करते हैं, बेसिक जो सिम्टम्स होते हैं डेंगू के, क्या होते हैं? तो सबसे जो अहम सिम्टम होता है वो है बुखार। बुखार हल्का भी हो सकता है और बहुत तेज, 104 105 वाला भी हो सकता है, और पहले ही दिन पे पेशेंट को काफी हाई ग्रेड फीवर आ जाता है। जैसे टाइफाइड वगैरह में धीरे धीरे फीवर बिल्डअप करता है, मलेरिया में भी, इसमें पहले ही दिन पे आपको बहुत हाई ग्रेड फीवर हो सकता है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि लो ग्रेड फीवर है तो आपको डेंगू नहीं हो सकता। इसके साथ साथ में शरीर में बहुत दर्द होता है, इसको हड्डी तोड़ बुखार, डेंगू मतलब मुड़ा हुआ, तो मतलब हड्डी तोड़, इतना तेज बुखार के साथ साथ बॉडी में दर्द होता है, सिर में दर्द है, आंखों के आपके पीछे यहाँ पे दर्द रहता है, और अगर थोड़ा सा आगे प्रोग्रेस करें तो स्किन में लाल लाल चकत्ते आ जाते हैं। कभी कभी कुछ लोगों को नाक से, मसूड़े से ब्लीडिंग हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, पेशाब कम हो सकता है, या मेंटल अपटेंडेशन भी हो सकती है कि भाई आप थोड़े से बेसुध अवस्था में हो जाएं। तो ये मेन सिम्टम्स हैं जी। तो डॉक्टर, डेंगू एक ऐसी चीज है, पहले लोग को लगता है फीवर हो रहा है तो फ्लू हो रहा होगा या वायरल हो रहा होगा, तो ऐसी क्या चीजें हैं, क्या टेस्ट है जिससे एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर जैसे डॉक्टर्स है, आप लोग को बताते हैं कि उनको डेंगू है? तो सिम्टोमेटिकली एक तो जैसे मानसून का टाइम है, बहुत सारे लोग जैसे आ रहे होते हैं, तो क्लिनिकल बैकग्राउंड देख के भी लोग कई बार प्रज्यूम कर लेते हैं कि ये डेंगू है। लेकिन 100% कहने के लिए हमें टेस्ट करना पड़ता है दो तरह के। एक तो होता है एंटीजन, मतलब आप वायरस को सीधा टेस्ट कर रहे हैं, और फॉर्चुनेटली बहुत ही इसका इजीली अवेलेबल टेस्ट होता है NS1 एंटीजन का, जो पॉइंट ऑफ केयर मतलब इमीडिएटली भी हो सकता है, आधे पौने घंटे में जिसकी रिपोर्ट आ जाती है, और एलाइजा से फिर उसको और रिफाइन करके हम कंफर्म करते हैं। सो ये पहले 5 दिन में अगर किसी को टेस्ट करना है बीमारी के, तो आप एंटीजन टेस्ट करेंगे, और 5 दिन के बाद टेस्ट करना है तो आप एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे। तो पहले 5 दिन में NS1 एंटीजन पॉजिटिव आएगा, 5 दिन के बाद IgM एंटीबॉडीज पॉजिटिव आएंगे, और फिर 2 हफ्ते के बाद IgG एंटीबॉडीज पॉजिटिव आएंगी। साथ में आप और बाकी चीजें देखते हैं कि हीमोग्लोबिन कितना है, TLC काउंट घट रही है, प्लेटलेट कम हो रहे हैं, हीमोग्लोबिन बढ़ तो नहीं रहा, लीवर पे कुछ असर है। कभी कभी पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन के हिसाब से आपको एक अल्ट्रासाउंड या एक्सरे भी करना पड़ सकता है, पर पहला डायग्नोस्टिक टेस्ट एंटीजन और उसके बाद एंटीबॉडी। जी डॉक्टर, क्या जैसे कि एक तो एक कोविड के बाद से, जब से कोविड शुरू हुआ है और अभी तक कोविड है, चल रहा है, केसेस आ रहे हैं, जैसे कोविड में ये बात आई थी कि आप एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकते हैं, क्या ये प्रेवलेंस डेंगू में भी देखा जा सकता है कि कोई सिम्टम नहीं है पर आपको डेंगू हो गया है? यस, ऐसा भी हो सकता है। एक 1/3 लोग, 1/3 लोग ऐसे होते हैं जिनको भी सिम्टम्स नहीं होते, जिनको कभी नहीं पता होता है कि उनको डेंगू हो चुका है, लेकिन जब हम उनका ब्लड टेस्ट करते हैं तो उनकी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज होती हैं, तो
उनको कभी ना कभी या तो बहुत ही हल्का बुखार रहा होगा जिसको अटेंशन नहीं दी, और कभी बिल्कुल एसिम्टोमेटिक भी हो सकते हैं। ओके, तो मतलब जैसे आप बोल रहे हैं कि एसिम्टोमेटिक डेंगू भी एक चीज है, बट कहीं ना कहीं बॉडी कोई ना कोई सिम्टम्स तो दिखाती होगी। यस, मोस्टली लोगों में। ओके ओके, तो डॉक्टर जैसे हम बात करते हैं डेंगू फीवर, लोग बहुत डरते हैं कि डेंगू फीवर अगर हो गया, डेंगू फीवर जब है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, उसकी रिकवरी का टाइम आई थिंक मेन लोगों को ज्यादा डर लगता है, बिकॉज पोस्ट डेंगू बहुत सिम्टम्स होते हैं लोगों को, तो आपका क्या कहना है इन पोस्ट डेंगू सिम्टम्स के बारे में? देखिए, डेंगू का जो बुखार है उसको हम तीन फेजेस में बांटते हैं। पहला होता है फेब्राइल फेज, जो 3 दिन से लेके 7 दिन तक, मतलब बुखार इसमें 3 से 7 दिन का हो सकता है। जब बुखार उतर जाता है उसके बाद एक फेज शुरू होता है जिसको हम बोलते हैं कैपिलरी लीक सिंड्रोम, और वो सबसे ज्यादा सीरियस स्टेज वही होती है जब आपका बुखार उतर जाता है, प्लेटलेट ड्रॉप हो रही होती है, हीमोग्लोबिन बढ़ सकता है, शरीर में फुलावट सी आ जाती है, पेट में और छाती में पानी इकट्ठा हो जाता है। ये सबसे अहम फेज होता है जिसमें पानी की कमी होती है लोगों को। इसमें सबसे ज्यादा केयरफुल रहना होता है, इसमें बीपी भी कम हो सकता है, ब्लीडिंग का भी हो सकता है। उसके बाद ये फेज होता है 2 से 3 दिन का। फिर जब आपके बीमार होने के 9 दिन या 10 दिन पूरे हो जाते हैं तो रिकवरी शुरू हो जाती है, बट पोस्ट रिकवरी भी बॉडी में थोड़ा सा थकान रहना, टायर्डनेस रहना, खुजली आना, इस तरह के सिम्टम्स कुछ लोगों को रहते हैं। बट मैं कहूँगी डेंगू में सबसे ज्यादा अहम फेज है तो वो है फेज ऑफ कैपिलरी लीक। जैसे ही आपका फीवर ब्रेक करता है उसके अगले 2-3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। जी, आई थिंक डेंगू, डॉक्टर आपका क्या कहना है, जैसे डेंगू रिकवरी पता नहीं, ऐसे कोई फिक्स टाइम नहीं है डेंगू रिकवरी, पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करती है, या ऐसा होता है कि नहीं 1 या 2 महीने में डेंगू ठीक हो ही जाएगा, या इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए? हाँ, तो डेंगू में बहुत प्रेडिक्टेबल रहता है। देखो, डेंगू की रिकवरी 9th डे से शुरू हो जाती है इलनेस की। सो अगर किसी पेशेंट को 7 दिन के बाद बुखार है और किसी की प्लेटलेट्स 10वें दिन तक इंप्रूव नहीं हो रही है, इसका मतलब आपको कुछ और डायग्नोसिस सोचना चाहिए। और डेंगू के जो भी ऑर्गन डिसफंक्शन होते हैं वो सारे के सारे रिकवर कर जाते हैं। सो इतना लिंगरिंग ऑन इसका साइड इफेक्ट्स कंटिन्यूड रहना फॉर यू नो मंथ्स एंड ईयर्स टुगेदर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो अपने रेजिडेंसी टाइम से ही देख रही हूँ डेंगू को, विच हैज बीन नाउ इट्स अबाउट 20 ईयर्स से मैं डेंगू पेशेंट्स को देख रही हूँ। ये है कि उसमें बहुत सीरियस वो लोग होते हैं जिनको इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है जी, जो जवान भी होते हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो ये शरीर की खुद की इम्यूनिटी भी पेशेंट के खिलाफ चली जाती है। और कोविड में देखो इतना रिसर्च हुआ, लोगों ने इतनी दवाइयां बनाई, ऑलमोस्ट इतना अच्छा इलाज हो गया है, और इतने साल होने के बाद भी यू विल बी सरप्राइज कि डेंगू की कोई स्पेसिफिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी नहीं है। डेंगू का एक वैक्सीन बना था, उसने काम नहीं किया है। दिस इज अ डिजीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, दिस इज अ डिजीज ऑफ, सॉरी टू से, ऑफ अ पुअरर वर्ल्ड। जितना खर्च इस बीमारी को मिलना चाहिए था, जितना खर्च मिलना चाहिए था इसके प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में, उतना नहीं मिला है। बट सिल्वर लाइनिंग ये है कि अब लोग कोविड से लेसन ले लेके अब होपफुली इसमें भी रिसर्च आगे होगी और हम डेंगू को बेहतर ट्रीट कर पाएंगे। पर एज अ ह्यूमन बींग, एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, एज अ कम्युनिटी, हमारा ये फर्ज तो बनता ही है कि हम इसको प्रिवेंट करने के लिए सारी की सारी कोशिश करें। जी जी, जैसे सही कहा आपने डॉक्टर, आई थिंक जितना लोग कोविड को लेके इतना सतर्क हो गए थे, आई थिंक नाउ द सेम दे आर स्टार्टिंग टू डू इन अदर डिजीजेज एज वेल। डॉक्टर, मेरा एक और जो मेरे पास क्वेश्चन है वो है कि क्या डेंगू फीवर, जैसे बोलते कोविड 1-2 बार ही हो जाता है, बार बार भी हो सकता है, डेंगू फीवर कितनी बार हो सकता है, और क्या उसका कोई ड्यूरेशन होता है कि इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता, या अभी तो हुआ था अभी नहीं हो सकता मेरे को? बहुत अच्छा सवाल पूछा वाणी आपने। डेंगू के एक्चुअली जो वायरस की 4 सीरोटाइप्स होते हैं जिनको हम डेंगू 1, 2, 3, 4 बोलते हैं, डी एंड एन 1, 2, 3, 4। सो एक इंसान को अपने लाइफ टाइम में 4 बार डेंगू का वायरस इन्फेक्शन हो सकता है जी। कभी कभी एक ही सीजन में किसी को 2 तरह के सीरोटाइप से भी इन्फेक्शन हो जाता है, बट मोस्टली एक साल में एक ही तरह का सीरोटाइप प्रेवलेंट होता है। सो जब तक कि वो सीरोटाइप नहीं बदलता है मच्छर में तो दोबारा होने के चांस कम होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा स्टडीज में पाया गया है कि एक ही इलाके में 2 तरह के सीरोटाइप चल रहे होते हैं, तो एक इंसान को एक ही सीजन में 2 बार डेंगू हो सकता है। अच्छा, तो अगर 2 बार ही डेंगू हो गया तो क्या उनकी रिकवरी मुश्किल हो जाती है, या वो भी बॉडी के डिफेंस पे डिपेंड करता है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये भी। जैसा रिपीट इन्फेक्शन होता है वो प्रोटेक्शन नहीं देता डेंगू में, अनफॉर्चुनेटली
वो उसको ओवर सीवियर कर देता है, सीरियस कर देता है, क्योंकि जो पहले की एंटीबॉडीज होती हैं वो प्रोटेक्टिव होने के बजाय उसका एक ऐसा इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाता है जो बॉडी में जो कैपिलरी लीक फिनोमेना और शॉक सिंड्रोम में जाने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तो दूसरा जो डेंगू का इफेक्ट और या तीसरा इन्फेक्शन है या चौथा इन्फेक्शन है वो पहले से ज्यादा तीव्र होता है मोस्टली। जी जी तो डॉक्टर मैं एक्चुअली अपने व्यूअर्स को वापस बताना चाहूंगी, आज हमारे साथ है डॉक्टर सुशीला कटारिया। डॉक्टर कटारिया है मेदांता हॉस्पिटल से, शी डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन, एंड आज हमें डॉक्टर बता रही है डेंगू के बारे में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जो हम सबको पता होनी चाहिए, बिकॉज डेंगू इज इक्वली डेंजरस। जैसे हम कोविड को के लिए बोलते हैं, डेंगू इक्वली डेंजरस है, अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं ली गई तो उसके बहुत सीरियस हेल्थ इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। तो डॉक्टर हमें एक बात बताइए, ऐसे क्या कॉम्प्लिकेशंस है, हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस है जो डेंगू होने के बाद लोगों में दिखते हैं? जैसे लोग बोलते हैं कईयों के हेयर फॉल ज्यादा बढ़ गया या कईयों को जॉइंट पेन ज्यादा होने लगे, ये भी कुछ ऐसे कॉमन कंसर्न्स होते हैं जो जिनको डेंगू हुआ हुआ होता है वो बताते हैं इसके बारे में, तो क्या ये सही है और ऐसे क्या कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है डेंगू के बाद? देखिए, कभी भी जब हम एक सीवियर इलनेस से गुजरते हैं, मोस्टली जो वायरल इन्फेक्शन से गुजरते हैं, तो एक टायर्डनेस बने रहना, पहले जैसी शरीर में क्षमता नहीं होना, बॉडी एक मसल एक होना, बाल गिर जाना, ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो कन्वालेसेंट में पेशेंट धीरे धीरे एक्सपीरियंस करता है और फिर ठीक होता है। पर जैसे मैंने कहा कि 20 साल में मैंने ऐसा नहीं देखा कि कोई पेशेंट अपने जैसे लॉन्ग कोविड होता है, मैंने लॉन्ग डेंगू नहीं देखा है, तो ऐसा नहीं होता है। डेंगू में कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स नहीं होते हैं। जिस तरह की जो जॉइंट पेन्स वगैरह वो चिकनगुनिया में ज्यादा सालों तक चलते रहते हैं, एक एक दो दो साल तक, डेंगू इज डेट्रीमेंटल देयर एंड देन ओनली, बट वंस इट रिकवर्स यू रिकवर कम्प्लीटली। जी जी तो डॉक्टर डेंगू जैसे आई एम श्योर आप इतने सालों से सिर्फ डेंगू के लिए काम कर रही है, डेंगू पेशेंट्स पे काम कर रही है, डॉक्टर डेंगू बड़ों में होता है और बच्चों में भी इक्वली होता है, तो क्या इट हिट्स, डज इट हिट डिफरेंटली बच्चों में और अडल्ट्स में, या सिम्टम्स काफी सिमिलर होते हैं? ये बीमारी ज्यादातर बच्चों में ज्यादा होती है, बड़ों में भी होती है, ऑब्वियसली मच्छर जिसको भी काटेगा, बट सीवियर डेंगू बच्चों में काफी काफी होता है, मतलब बच्चों में, यंग एडल्ट्स में मोर्टेलिटी डेंगू की वजह से काफी सिग्निफिकेंट होती है, जो कि भिन्न है और दूसरी बीमारियां। दूसरी बीमारियों में इंसान जो ज्यादा सीवियरली सिक होते हैं वो होते हैं जो ऑलरेडी इम्यून कॉम्प्रोमाइज हैं, कमजोर हैं, बुजुर्ग हैं, बट डेंगू यूजली यंगर लोगों को, इम्यून कॉम्पिटेंट लोगों को ज्यादा अफेक्ट करता है, और बच्चों को भी बहुत, मतलब पीडियाट्रिक डेंगू अपने आप में एक बहुत ही बड़ी समस्या है। जी डॉक्टर, हमारे पास एक्चुअली लाइव सेशन के दौरान एक क्वेश्चन आया है, आ व्यूअर इज यशस्वी, वो हमसे पूछ रहे हैं कि डेंगू फीवर और कोविड के सिम्टम में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है यशस्वी, और थैंक यू आपने पूछा। सो मोस्टली तो देखो, किसी को भी जैसे फर्स्ट डे बहुत हाई ग्रेड फीवर है, सिर दर्द बहुत ज्यादा है और आंखों के पीछे दर्द हो रहा है, जो ऐसे आंख इधर उधर करने में भी दर्द हो रहा है, और साथ में और कोई गले वले का सिम्टम नहीं है, तो उसके डेंगू होने के चांसेस ज्यादा है। कोविड में भी पेशेंट्स को बॉडी एक हो सकता है, फीवर होता है, कभी कभी 100 to 103 तक भी हो सकता है, बट कुछ एसोसिएटेड या तो लूज मोशंस होते हैं या फिर गला वाला खराब होता है, तो उसके कोविड होने के चांसेस ज्यादा हैं। ये तो है क्लिनिकल डिफरेंशिएशन, बाकी तो उनके टेस्ट दोनों के अलग हैं, एक में आप आरटीपीसीआर नोज थ्रोट से सिक्रीशन से करते हैं, दूसरे में हम एंटीजन करके पता कर लेते हैं, और तभी हम 100% कह सकते हैं, बट क्लिनिकली जो थोड़ा डिफरेंस मैंने बताया उस पर आप कर सकते हैं। जी जैसे अभी मैंने जो आपसे बात हम लोग ने करनी शुरू की थी, होती बच्चों में डेंगू, तो बच्चों में जब डेंगू हो जाता है ऑफकोर्स बच्चों में क्षमता कम होती है सिम्टम्स को झेलने की, उनकी विल पावर कम होती है दर्द को झेलने की, तो डॉक्टर व्हाट आर द स्पेशल टिप्स दैट यू गिव टू योर पेशेंट्स जिनके बच्चों को डेंगू हुआ हुआ होता है? तो पहले तो मैं डेंगू के प्रिवेंशन पे बात करूंगी, क्योंकि डेंगू का प्रिवेंशन ऐसा नहीं है कि जब मौसम आ गया, जब सीजन आ गया हम तभी बात करें। डेंगू को प्रिवेंट करने की ईयर लॉन्ग एक्टिविटीज होनी चाहिए। सो इस टाइम पे बहुत शुरू करने का बहुत अच्छा टाइम है कि कोई भी शहर या कम्युनिटी 2 clean days ऑब्जर्व करे, जिसमें आप सारे, जहां पे भी 30 ml भी पानी इकट्ठा हो सकता है, उन सब जगहों को हटा दें,
बिफोर ऑनसेट ऑफ मॉनसून एंड ड्यूरिंग पीक ऑफ मॉनसून। बाकी बच्चों के, जैसे बच्चे पार्क में जाते हैं और उनको गर्मी बहुत लगती है, वो फुली कवर्ड कपड़े पहनना ही नहीं चाहते, तो माँ बाप से रिक्वेस्ट है कि कुर्ता पजामा सिंपल कॉटन के या कुछ भी ऐसा फुली कवर्ड जरूर पहना के भेजें बच्चों को, और साथ में मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स वगैरह लगाएं। अब एक बार हो जाता है तो उसके बाद बच्चे की हाइड्रेशन का खास ख्याल रखना है, और कॉमन पेन किलर, क्योंकि दर्द इतना ज्यादा हो रहा होता है, बुखार इतना तेज है, तो पेरेंट्स भी डेस्परेट हो जाते हैं कि हम बुखार को किसी तरह से कम लाएं। तो इस सिलसिले में बहुत स्ट्रॉन्ग दवाइयां जैसे आइबुप्रोफेन या डिक्लोफेनाक दे देते हैं, वो कभी नहीं देनी चाहिए डेंगू सीजन में। आपको नहीं भी पता बुखार क्या है, जब तक आपको ये नहीं पता कि ये डेंगू नहीं है तब तक कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन नहीं दीजिए। इंट्रामस्कुलर कोई इंजेक्शन नहीं लगवाइए और इन्वेस्टिगेट करवाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग सोचते हैं डेंगू मतलब लो प्लेटलेट, लो प्लेटलेट इसकी कोई सीरियस समस्या नहीं है, वो तो हर एक पेशेंट को थोड़ा बहुत होके रिकवर हो जाते हैं जी। डेंगू की सबसे सीरियस प्रॉब्लम है डिहाइड्रेशन। बच्चे को अच्छे से हाइड्रेटेड रखें, नींबू पानी पिलाएं, नारियल पानी पिलाएं, ORS पिलाएं, छाछ पिलाएं। हाइड्रेशन प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अननेसेसरीली प्लेटलेट कम हो रहे हैं इसको देख के पैनिक ना करें। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन का रोल सिर्फ ब्लीडिंग होने की अवस्था में ही है, और वो भी सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग होने की अवस्था में, अदरवाइज अननेसेसरी प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कैन बी मोर डेंजरस देन हेल्पफुल। ओके ओके, तो जैसे डॉक्टर कटारिया ने बोला, सेल्फ मेडिकेशन पे हम हमेशा बोलते रहते हैं, हमारा हमेशा स्ट्रेस रहता है। डॉक्टर ने भी आज इसी बात पे बोला है कि अगर आपके बच्चों को या आप में से किसी को भी डेंगू है या आपके आसपास कोई है जिनको डेंगू है, तो प्लीज उन्हें बताइए, ये स्प्रेड कीजिए कि सेल्फ मेडिकेशन इज नो फॉर्म ऑफ मेडिकेशन। डॉक्टर, जैसे कि हमने बात की, आप बोल रहे थे कि रिपेलेंट, मस्कीटो रिपेलेंट पूरे कपड़े पहनना, क्या ऐसी कोई मस्कीटो रिपेलेंट है जो बच्चों के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए सेफ है? ये एक क्वेश्चन है हमारे एक व्यूअर से, उनका नाम है अनुराग। अनुराग जी, ऐसा देखिए, मोस्टली रिपेलेंट्स जो होते हैं वो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, वो ऑर्गेनोक्लोरीन्स या ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स होते हैं जो मच्छर से तो बचा देते हैं, फिर एनवायरनमेंट को कंटामिनेट करते हैं और बॉडी में भी जाते हैं, और उससे एलर्जी होने के बाद बच्चों को ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है। सो सबसे बढ़िया मॉस्किटो रिपेलेंट यूजली जो नीम का तेल होता है या नीम फली का तेल होता है, इस तरह के तेल, या ये जो अपना क्या बोलते हैं, दिस ग्रास, लेमन ग्रास ऑयल, दैट कैन ऑल्सो बी यूज। एंड ऑब्वियसली आपको मच्छर से कटवाने से बचना है तो फुली कवर्ड क्लोथ्स इज अ वेरी गुड प्रोटेक्शन। तो डॉक्टर, जैसे अभी आ रहा है नेशनल डेंगू डे इज नेक्स्ट वीक, क्या कोई आप स्पेसिफिक सीजन्स के बारे में हमें बताइए कि डेंगू इस स्पेसिफिक सीजन में ज्यादा होता है या उस स्पेसिफिक वेदर कंडीशन में ज्यादा होता है? डेंगू को देखिए हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरमेंट चाहिए होता है, सो इसलिए हमारे यहाँ मानसून में ज्यादा होता है। अक्सर लोग जून से लेके और ये अपने अक्टूबर नवंबर, कभी कभी दिसंबर तक केसेस आते हैं हमारे पास, बट मेनली इट इज अ डिजीज ऑफ रेनी सीजन, रेन, वाटर, वाटर गेटिंग क्लॉग, फिर उसमें मॉस्किटो ब्रीडिंग हो जाती है, मॉस्किटो ब्रीडिंग हो जाती है, वो लोगों को काटते हैं। सो अपने यहाँ पर ये है। बाकी देखिए सीजन, जैसे सिंगापुर में आप देखेंगे उनमें टेम्परेचर, क्योंकि वो मकर रेखा के पास में रहता है, कर्क रेखा के पास में रहता है, तो उसका जो है इक्वेटर के पास होने के कारण उनका टेम्परेचर हॉट एंड ह्यूमिड राउंड द क्लॉक रहता है, तो उनके सारे साल रहता है इसी तरह। बट साउथ ईस्ट एशिया में मेनली पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, हम लोगों को ज्यादातर मानसून सीजन में जून टू नवंबर अक्टूबर तक रहता है। अच्छा अच्छा, तो डॉक्टर, क्वारंटीन एक ऐसा शब्द था जो कोविड के टाइम से इतना ज्यादा कॉमन हो गया हम लोग के लिए यूज करने के लिए। तो जैसे कि मैं कोविड से तुलना इसलिए कर रही हूँ बार बार, बिकॉज थोड़े सिमिलर सिम्टम्स होते हैं, बट ऑफ कोर्स इट नीड्स इक्वल केयर, बिकॉज लोगों को लगता है कोविड कोविड है और डेंगू में भी, डेंगू तो होते रहता है, बट ऐसी बात नहीं है। तो डॉक्टर, एक बात बताइए, क्या डेंगू पेशेंट्स के लिए भी क्वारंटीन करना जरूरी है? देखिए, ये जानने के लिए हमें इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखना पड़ेगा। आप जो है, आपका डेंगू है वो हवा के थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से स्प्रेड कर रहा है जी। कोविड, ये मतलब कोविड ऐसे फैल रहा है, डेंगू कैसे फैल रहा है? मच्छर के काटने से। मुझे आज डेंगू है तो मैं दूसरे को कैसे दूंगी? कोई मच्छर मुझे काटे और उसके बाद उस इंसान को काटे, तो पेशेंट को हमें मच्छर से कटने से बचाना है, मतलब उसको भी फुल बाजू के कपड़े पहनने हैं, उसको भी मॉस्किटो रिपेलेंट वगैरह लगाना है, ताकि नहीं वो सोर्स ऑफ
इन्फेक्शन टू अदर्स ना बन जाए। और मस्किटो के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, मस्किटो ने एक बार काट लिया वो अपना नाइन में जब तक जिंदा रहेगा जितने लोगों को काटेगा वो स्प्रेड करता जाएगा। उसके भी ऊपर एक ट्रांस ओवेरियन ट्रांसमिशन होता है कि मच्छर मर गया उसके मतलब मच्छर के बच्चे पैदा हो गए, मतलब एग के थ्रू उसके हो गए हैं, उसके फर्दर बच्चे पैदा होंगे वो भी डेंगू वायरस के कैरियर हो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रांस ओवेरियन ट्रांसमिशन। सो इवन ना सिर्फ ये पर्टिकुलर मच्छर खतरनाक है, उसकी प्रोजेनी खतरनाक हो जाती है। बाप रे बाप। आपको क्वारंटाइन की जरूरत नहीं है लेकिन मच्छर से ना कट मतलब मच्छर काटे ना, ऐसा ध्यान रखें। जी तो डॉक्टर जैसे आपने बोला बहुत इम्पोर्टेंट है प्रिवेंशन पे फोकस करना, तो एक बात हमें बताइए कि सराउंडिंग्स को कैसे हम लोग डेंगू फ्री रख सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, यू नो इट नीड्स जस्ट 10-15 मिनट्स। जैसे कॉलोनी है तो RWA ये कर सकते हैं कि भाई हर संडे को सब लोग एक चक्कर लगाएंगे, अपने अपने घर की छत को देख लें, जो मेन एरियाज क्या होते हैं, छत पे पड़े हुए जो मिट्टी के बर्तन हैं, भगोने हैं, टूटे गिलास कप हैं, उनको देखना चाहिए। उसके बाद में जितने भी आपके फ्लावर पॉट्स हैं स्पेशली जो मनी प्लांट्स वगैरह हैं उनका पानी आप हर छठे दिन चेंज कर दें, क्योंकि लार्वा की ब्रीडिंग का टाइम 7 दिन होता है। उसके बाद जो कूलर है उनमें खाली हो सकता है तो हर संडे को कूलर खाली होना चाहिए, नहीं खाली हो सकता तो एक चम्मच कोई भी तेल डाल दें। उसके बाद जो छज्जे हैं बाकी जहां पे भी जो कप हैं, आइसक्रीम कप्स हैं, नारियल के खोल हैं, इन सब एरियाज को अपने को हटाना चाहिए। और आप मानसून सीजन में अगर 5 मिनट भी अपने घर पे ये देख लें कि कहाँ पानी इकट्ठा है उसको चेंज करना है, इट विल गो अ लॉन्ग वे। बाकी पब्लिक एमिनिटीज में जैसे कुछ एरिया जैसे मैंने कहा जहाँ नारियल का पानी मिलता है वो खोल बहुत डेंजरस होते हैं, चाय के कप डेंजरस हो सकते हैं, 30 ml पानी तो चाहिए, आइसक्रीम कप्स भी हो सकते हैं। और आपने देखा होगा जो टायर पंचर की दुकान होती है उसमें जो टायर लगे होते हैं ऊपर ऐसे शोकेस के लिए, उसके टायर में जो पानी इकट्ठा हो जाता है वो भी मॉस्किटो ब्रीडिंग का फोकस हो जाता है। बाकी छोटे मोटे नदी नाले, छोटा पडल बन गया है कोई, वो सब तो है। जी 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 तो डॉक्टर डेंगू प्रिवेंशन के टाइम पे लोग घरेलू नुस्खे, इंडिया में स्पेशली बहुत फोकस किया जाता है घरेलू नुस्खों पे, लोगों को लगता है ये सारी चीजें सिर्फ घरेलू नुस्खों से ठीक हो सकती है, तो व्हाट इज योर टेक ऑन इट, बिकॉज आई एम श्योर आपके पास उतने ही पेशेंट्स आते होंगे इस इन घरेलू नुस्खों के बारे में बात करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पिछले 20 साल में घरेलू नुस्खों में PhD कर ली है, बट anyway, सारे अच्छे भी नहीं है सारे बुरे भी नहीं है। सो कुछ अगर आप है जैसे नारियल पानी पिलाना है, कीवी खिलानी है, कुछ ही तरह का जूस पिलाना है, सब अच्छा है, हाइड्रेशन किसी भी तरह का हो वो बहुत अच्छा है। फिर एक खास तौर से सवाल पूछा जाता है कि गिलोय और पपीते के जूस का क्या करें। नो गुड नो बैड, बिकॉज प्लेटलेट लो कोई ऐसा समस्या है ही नहीं, सारे डेंगू के पेशेंट्स की प्लेटलेट 9-10 दिन अपने आप ही ठीक हो जाती है, तो उसके लिए आप जो पिलाएंगे लगेगा असर कर रहा है। कुछ जैसे मैं खासतौर से बोलना चाहती हूँ जैसे बकरी का कच्चा दूध, किसी भी जानवर का अनपॉस्चराइज या अनबॉइल्ड मिल्क नहीं पीना चाहिए। और डेंगू सीजन के बाद हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स एक और खास इन्फेक्शन लेके आते हैं, वो होता है ब्रुसेलोसिस। सो कुछ जानवर ब्रुसेला नाम की बीमारी से पीड़ित होते हैं और उनके दूध में भी वो बैक्टीरिया आ जाता है, और जब आप उस दूध को बॉयल नहीं करते यूं का यूं पी जाते हैं तो फिर इंसानों में भी ब्रुसेला हो जाता है। सो प्लीज बकरी, गाय, भैंस, कैमल, किसी भी जानवर का अनपॉस्चराइज मिल्क ना पिए और ना पिलाएं। मैं समझ सकती हूँ डॉक्टर, बिकॉज इतने घरेलू नुस्खों को लेके लोगों के माइंड में इतने मिसकंसेप्शंस है, एंड एज अ डॉक्टर आई टोटली अंडरस्टैंड कि आपको कितने ऐसे क्वेश्चंस का सामना करना पड़ता होगा। डॉक्टर आपने अभी बोला कि ये मत खाए, ऐसी चीजों का सेवन ना करे, डाइट बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है डेंगू रिकवरी का, डेंगू ट्रीटमेंट का, तो ऐसे क्या डाइटरी टिप्स है जो इम्पोर्टेंट है? जैसे आपने बोला गिलोय के पत्ते जो टैबलेट्स होती है वो इतनी फायदेमंद नहीं होती, तो ऐसे क्या इम्पोर्टेंट टिप्स है डेंगू प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट के टाइम पे? तो प्रिवेंशन का तो हमने बात कर ही ली, ट्रीटमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट है हाइड्रेशन, कि हम अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। तो किसी भी तरह का साफ सुथरा जूस है, नारियल पानी है, नींबू पानी है, वो सब इम्पोर्टेंट रहता है, वो सब अच्छा रहता है। और बीमार आदमी के लीवर पे सोजिश आ जाती है इंटेस्टाइन में, तो वो बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं हजम कर सकते, बहुत ऑयली खाना नहीं हजम कर सकते, तो हल्का फुल्का खिचड़ी है, चीला है, दाल है, तरी वाली सब्जियां हैं, फ्रूट्स पेशेंट्स को अच्छे लगते हैं, कई बार उनकी भूख बिल्कुल खत्म हो जाती है पर उनको खट्टे फल अच्छे लगते हैं, जैसे संतरा अच्छा लगता है, अंगूर अच्छा लगता है, कीवी भी अच्छी लगती है। तो जो भी इस टाइम पे साफ सुथरा हल्का खाना देना होता है, और ऐसा कोई स्पेशल इम्पोर्टेड
न्यूट्रिएंट्स वगैरह मंगवाने की कोई जरूरत नहीं है। इट कैन बी जस्ट आप घर में बैठ के नारियल पानी या नींबू पानी भी पिलाते रहेंगे तो भी काफी है। जी डॉक्टर, हमारे पास एक और क्वेश्चन आया है साक्षी नागर से। शी सेइंग अगर डिहाइड्रेशन इफ डिहाइड्रेशन इज देयर इन डेंगू एज यू स्टेटेड देन व्हाई देयर इज फ्लूइड इन अबडोमिन एंड लंग्स एंड स्वेलिंग। तो क्या डेंगू के टाइम पे फ्लूइड रिटेंशन होता है? साक्षी ने बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक सवाल पूछ लिया है, बट इसकी ऑब्जर्वेशन को मैं दाब देती हूँ। तो इसमें क्या होता है कि कैपिलरी लीक फिनोमेना हो जाता है। हमारी बॉडी में ब्लड घूम रहा है, आर्टरी से कैपिलरी से होते हुए वेंस में वापस निकलता है। अब कैपिलरी को आप ऐसे समझें जैसे चाय छानने की छन्नी होती है। तो जो छानने की छन्नी अगर अच्छा काम कर रही है तो क्या है, चाय चाय निकलेगी, पत्ती ऊपर रह जाएगी जी। इसी बॉडी की कैपिलरीज अगर सही काम कर रही है तो इतना ज्यादा जो है प्रोटीन और इतना ज्यादा पानी नहीं निकलता। पर डेंगू के इन्फेक्शन के कारण वो कैपिलरीज लीकी हो जाती हैं। आप सोचें कि जो चाय की छाननी है उसके जो छेद हैं वो बड़े बड़े हो गए हैं, मोटे मोटे हो गए हैं, तो क्या करें, आप सारा डालेंगे सब कुछ निकलना शुरू हो जाता है। सो ब्लड से जो सारा फ्लूइड और प्लाज्मा है वो बाहर निकल जाता है, इसलिए पेट में पानी, इसको हम बोलते हैं थर्ड स्पेस वाटर लॉस। सो थर्ड स्पेसिंग हो जाती, पहला स्पेस आपका क्या है, ब्लड है, दूसरा स्पेस आपका क्या है, सेल्स है, तीसरी स्पेसिंग चेस्ट में लंग्स में पानी, तो थर्ड स्पेसिंग हो जाती है। एज द रिजल्ट पेशेंट आपको पफी लगता है, बिल्कुल फुला हुआ लगता है, पर उसका जो इंट्रावास्कुलर कंपोनेंट है, जो उसका ब्लड कंपोनेंट है, वो हो जाता है कंसंट्रेटेड, वो नैरो हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है, उससे बीपी कम हो जाता है, बीपी कम हो जाता है तो सर्कुलेशन खराब हो जाती है और पेशेंट सर्कुलेटरी शॉक में चला जाता है। ये साइंस है बिहाइंड दिस। ओके ओके डॉक्टर, आई नो ऐसी बातें पूछनी नहीं चाहिए, बट ऑफकोर्स हर बीमारी के अपने बहुत एक्सट्रीम रिस्क भी होते हैं, तो डेंगू क्या कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन के साथ अगर डेंगू होता है तो क्या कैन इट ऑल्सो बी फेटल इन सम केसेस? क्या ऐसी कोई कंडीशन है, सिचुएशन है? 1-2% मतलब 100 मरीजों में से 1-2 मरीज बिल्कुल स्वस्थ होते हुए भी उनकी जान जा सकती है डेंगू की वजह से, विच इज द वेरी सैड पार्ट ऑफ इट। और वो आप कैसे पता करेंगे, अगर किसी का हीमोग्लोबिन बढ़ता जा रहा है, ये एक बीमारी ऐसी है, अगर हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है तो इसका मतलब अच्छी बात नहीं हो रही है, इसका मतलब तो हम अभी आपको समझा रहे थे, इसको कैपिलरी लीक ज्यादा हो रहा है, इसको डिहाइड्रेशन हो रहा है, इसको पानी की कमी हो रही है। सो अगर किसी का हिमेटोक्रेट या हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है, इसका मतलब बी केयरफुल, दिस पर्सन कैन गो इन टू अ सर्कुलेटरी फेलियर। सो उस सिचुएशन में आप अगर ये टाइमली अटेंड नहीं किया जाए, रिवर्स नहीं किया जाए, तो बॉडी मल्टी ऑर्गन फेलियर में चली जाती है। इसको बोलते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम, विच इज इन इटसेल्फ इज अ वेरी सीरियस कंडीशन, कैरीज ऑलमोस्ट 100% मोर्टेलिटी। ओके ओके तो डॉक्टर, आपने आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बोली है, चाहे ये कम लोगों में प्रेवलेंस होती है इसकी, बट इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। डॉक्टर, आप इतने सालों से सिर्फ आप जब डेंगू के पेशेंट्स आपके पास आते हैं, विद टाइम ऑफ कोर्स देयर हैज बीन एन एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, लोगों के माइंडसेट में चेंजेस आए हैं, देन बैक देन एंड नाउ क्या डिफरेंस देखती है आप सिचुएशन में, लोगों में, जब लोग आपसे डेंगू के बारे में बात करने आते हैं या आपको ट्रीटमेंट लेने आते हैं आपसे? देखिए, शुरू में मैं बहुत ही WHO के गाइडलाइंस को फॉलो करके ट्रीटमेंट करती थी, और जब मैं पेशेंट्स को कहती थी कि आपको प्लेटलेट की जरूरत नहीं है, मतलब वो एक तरह से आर्ग्यूमेंट से झगड़ा ही हो जाता था, पेशेंट नाराज हो जाते थे हमसे कि हम प्लेटलेट नहीं चढ़ा रहे उनको। ये आज से 10-12 साल पुरानी बात है, लेकिन अभी मेजोरिटी 90% लोग समझते हैं कि हाँ, डेंगू का जो ट्रीटमेंट है वो बिना प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, और हम डॉक्टर की सलाह मानेंगे, जब डॉक्टर कहेंगे जरूरत है तब भी चढ़ाएंगे। सो दिस इज अ बिग चेंज इन द माइंडसेट व्हिच आई हैव सीन, पीपल हैव बिकम मोर अवेयर अबाउट दिस, लोगों को प्लेटलेट के साथ साथ हीमोग्लोबिन बढ़ने की भी चिंता रहती है, ये तो अवेयरनेस लेवल पे तो इतना फर्क आया है। और पिछले ही साल हमने डेंगू सीजन में डेंगू मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पे भी रिसर्च की थी, तो उसके अभी रिजल्ट्स नहीं आए हैं कि वो कितना फायदेमंद है नहीं है, होपफुली उसके अगर प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स आए तो हम बहुत सारी जो अवॉइडेबल फिटैलिटी है, मोर्टैलिटी है, उसको भी कर पाएंगे। एंड आई होप एवरीबडी शोज दिस काइंड ऑफ, स्पेशली द फार्मा कंपनी शोज एंथुजियाज्म कि वो भी कोविड के साथ डेंगू की दवाई डेवलप करें, एक अच्छी की तलाश लगी रहनी चाहिए, और एज द कम्युनिटी सबका फर्ज बनता है कि अगर कोई रिसर्च हो रही है तो अपना उसमें सहयोग दें। ये बहुत ही एक फनी बात है, देखिए रिसर्च में जो भी मॉलिक्यूल होता है उसको स्टडी करने के लिए
बहुत प्रिकॉशंस बरती जाती हैं, डॉक्टर सारा ख्याल रखते हैं पेशेंट के ऊपर भी। वही दवाई अगर रिसर्च में मिल रही होती है तो लोग नहीं लेते हैं, उस दवाई को खरीद के लगवा सकते हैं वो, बट मुफ्त में रिसर्च में मिल रही है तो नहीं कहेंगे नहीं आप तो हमें गिनी पिग बना रहे हैं। जी डॉक्टर, ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स पे टच बेस किया है, पर ये एक बहुत मतलब नोन सी बात है कि डेंगू टियर टू टियर थ्री सिटीज में ज्यादा देखा जाता है टियर वन सिटीज के कंपैरिजन में, तो आपका इसमें क्या टेक है? जब ऐसे किसी को एकदम से लगे कि उनको प्रॉब्लम्स हो रही है बट दे मे नॉट हैव मेडिकल फैसिलिटीज क्लोजर टू देम, सो व्हाट आर द फर्स्ट स्टेप्स दैट पीपल इन सच एरियाज शुड टेक अप? द ट्रीटमेंट फॉर डेंगू इज वेरी वेरी सिंपल, यू डोंट नीड अ हाई फाई हॉस्पिटल और समथिंग, इट इज जस्ट हाइड्रेट देम, ओरली पिलाओ, आईवी ड्रिप से लगाओ, हाइड्रेट, रेस्ट एंड यू नो मॉनिटर कि उसके लंग ऑक्सीजन की जरूरत तो नहीं है, हीमोग्लोबिन कितना है, यूरिन आउटपुट कितना है। सो ये ट्रीटमेंट एक बेसिक प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेके सेकेंडरी लेवल तक आराम से किया जा सकता है। जी जी ठीक है। सो डॉक्टर कटारिया, आज आपने आई थिंक डेंगू से रिलेटेड हमें इतनी सारी बातें बताई, इतने सारे पॉइंट्स बताए जिसपे सबको ध्यान देना चाहिए, गौर करना चाहिए कि जितना कोविड ने हम लोग का इतना ध्यान खींच लिया अपनी तरफ, डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो अभी भी है और अभी मेरे हिसाब से बहुत मेहनत लगेगी कि इंडिया कंप्लीटली डेंगू फ्री हो जाए। बट डॉक्टर, ऑन अ पार्टिंग नोट, डू यू हैव एनीथिंग यू वांट टू से? जैसे नेशनल डेंगू डे है नेक्स्ट वीक, तो कुछ आप बोलना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम अभी से डेंगू प्रिवेंशन की तैयारी करना शुरू कर दें, अभी से हम अपनी सराउंडिंग्स का ध्यान रखें कि हम मॉस्किटो को ब्रीड ही ना होने दें। ये स्टेप कितने ही सिंपल लगे, कितने ही आसान लगे, बट ये लॉन्ग वे जाते हैं डेंगू से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कम करने में, उससे रिलेटेड मोर्टालिटी को कम करने के लिए। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप सुबह शाम वॉक करने जाएं या पार्क में जाएं तो फुली कवर्ड क्लोथ्स पहने। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड इतनी सारी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। सो हैप्पी टू हैव यू विद अस टुडे। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके व्यूअर्स से भी बात करके। थैंक यू सो मच डॉक्टर। ओके।